बिग बॉस ओटीटी 2 को खत्म हुए एक महीना से ज्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी इस शो के कंटेस्टेंट का जिक्र होता है। ओटीटी 2 का खिताब एल्विश यादव ने अपने नाम किया था। शो का फर्स्ट रनर अप अभिषेक मलहन रहे थे। शो के अंदर एल्विश और अभिषेक के बीच काफी दोस्ती देखने को मिली थी, लेकिन शो खत्म होने के बाद एल्विश और अभिषेक को दर्शकों ने एक साथ नहीं देखा है। ऐसे में अब दोनों के बीच लड़ाई की भी खबरें सामने आ रही थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बिग बॉस ओटीटी 2 सीजन के विनर एल्विश यादव और रनर अप अभिषेक मलहन के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। दोनों के फैंस एक दूसरे से सोशल मीडिया पर भिड़े हुए हैं। बीच में अभिषेक मलहन ने रिएक्ट किया था, सफाई दी थी, तो इस पर एल्विश यादव ने भी जवाब दिया था। कहा था कि जब नाम ही नहीं लिया तो वो क्यों बीच में बोलने लगे, मतलब उन्हें पता है कि वो ही ऐसा कर रहे हैं। नेगेटिव पीआर के कारण अब एल्विश यादव एकदम परेशान हो चुके हैं। उन्होंने अपनी ट्रॉफी लौटाने तक की बात कह दी है। अपने व्लॉग में एल्विश यादव ने बिग बॉस ओटीटी 2 की ट्रॉफी को दिखाते हुए कहा कि भाई इसे ले जाओ, मुझे बख्श दो। आपको बता दें कि एल्विश यादव ने ट्रॉफी को ही कोल्ड वॉर की मेन जड़ बताया है। साथ ही साथ एल्विश ने फैंस से रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें सुकून से जीने दे, साथ ही प्यार भरी जिंदगी चाहिए उनको जैसे वो पहले जी रहे थे। वही आगे एल्विश यादव ने ट्रॉफी को उठाकर उस पर लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ा, बिग बॉस ओटीटी 2 विनर, और फिर कहा कि ऑन रिकॉर्ड विनर तो मैं ही हूँ, मगर ये ट्रॉफी अगर किसी को चाहिए तो वो इसे अपने घर ले जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एल्विश यादव ने अभिषेक मलहन पर आरोप लगाया था कि यूट्यूबर ने उनके खिलाफ ट्विटर पर 25 लाख रुपए देकर नेगेटिव पीआर करवाया है। इसके बाद अभिषेक मलहन ने जवाब भी दिया था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो 25 लाख क्या 25 रुपए भी ना दे। साथ ही एल्विश संग रिश्ते अच्छे होने की भी बात कही थी। ऐसे ही बातें बढ़ती गईं और दोनों की तरफ से जवाब आता गया और फैंस सोशल मीडिया पर लड़ते रहे, जिससे तंग आकर अब विनर यानी कि एल्विश यादव ने ये वीडियो बनाया है।